नमस्कार फ्रेंड्स, प्रियाज मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कभी कभी सब्जियों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसी के तहत मैं चने की दाल का पतोर की सब्जी बनाना बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, थोड़ा स्वाद भी चेंज हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो देखिए मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। पतौर की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कप चने की दाल ली है, जिसको कि मैं अच्छे से धो के 12 घंटे के लिए भिगो लूँगी, क्योंकि दाल को जितना अच्छा भिगोएंगे पतौर की सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। ये मैंने दाल पहले से भिगो के रखी है, जिसको कि मैंने 12 घंटे भिगोया था। अब हम इसको मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। पानी का यूज़ हम कम करेंगे, जितनी इसकी थिकनेस होगी उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीसेंगे। मिक्सर के जार में हमने इसको डाल दिया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। ये मिक्सर में हमारा बारीक पेस्ट बन गया है, देखिएगा बहुत ही अच्छा पीस गया है ये, बिल्कुल भी इसके अंदर दाने नहीं है। इसको पीसते समय मैंने आधा ग्लास पानी इसके अंदर डाला है। इसको अब हम बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि हमको ग्रेवी में भी डालना है। इसके अंदर थोड़ी हल्दी डालेंगे हम, थोड़ी सी लौंग डालेंगे, दाल में भी थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में हमको इसको डालना है। और हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, जिससे कि पेट में गैस वैस नहीं बनती है और डाइजेशन अच्छा रहता है। इसके अलावा इसके अंदर हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, जिसको मैं हाथ से क्रश कर रही हूँ, क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको पतौर बनाने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई रखते हैं गैस पे, पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसके बाद इसके अंदर जो हमने चने की दाल का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। पहले इसको हम अच्छे से ऑयल को चारों तरफ कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अच्छे से दाल का पेस्ट डाल देते हैं। ये जो मिक्सी के जार में बचा हुआ थोड़ा सा था, तो उसमें पानी डाल के मैंने इसको इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो घुमाते रहेंगे कि इसमें रोटी ना पड़े। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको, लो मीडियम आंच पे ही बनाएंगे। बहुत तेज आपको इसको नहीं बनाना है, नहीं तो चिपक भी जाएगा और रोटियाँ पड़ेंगे इसमें। इसको किनारों पे इसी तरीके से घूमते रहेंगे हम, जिससे कि चारों तरफ से चिपके रहेंगे। हमने एक ट्रे को ग्रीस करके रख दिया है, जब ये पेस्ट हमारा ठीक हो जाएगा तब इसके अंदर इसको जमा देंगे। इसको बराबर हमको हिलाते रहना है। आप देख पा रहे हैं कि पेस्ट हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अगर इसको 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको ग्रीस लगी हुई ट्रे के अंदर जमा देंगे। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ये देखिएगा, ये पूरा हमने सेट कर दिया है। इसके अंदर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल सेट हो जाएगा, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। जब तक पितौर सेट होता है तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैं दही के अंदर बनाऊंगी, हींग जीरे की बनाऊंगी मैं, क्योंकि गर्मियों में हींग जीरे की सब्जी ही हल्की रहती है, अच्छी रहती है, बेसन वैसे भी भारी होता है। तो मैंने दही ले लिया है लगभग 1 बड़ा कप। इसके अंदर मैं दाल में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। इसके अलावा मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच,
पहले भी डाल चुके हैं तो नमक एकदम मैं स्वाद अनुसार ही डालेंगे। इसके अलावा थोड़ी हींग डालूंगी इसके अंदर में, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं क्रश करके डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। पतोड़ की कटिंग कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इसे पनीर की शेप में बना रही हूँ, आप लंबा भी बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा लंबे लंबे पीस भी कर सकते हैं। मैं स्क्वायर के अंदर इसको कट कर रही हूँ। बहुत ही सावधानी से हम इस तरीके से इसके पीसेस को निकाल के टेप पे रख लेते हैं। थोड़ी सी हवा लगने देंगे। इसी तरह से हम सारे पीसेस निकाल लेते हैं। गाइस देखिए हमने सभी पीस को अच्छे से कट कर लिया है, कितने सुंदर बने देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। गैस पर हमने फिर से एक पैन को रखा है, आप चाहें तो इसे देसी घी बना सकते हैं या ऑयल में, मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इस समय पर हमने जो पीस कट किए थे इनको शैलो फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का, बहुत ही हल्के हाथ से इसमें डालते रहेंगे, आपका हाथ ना जले ध्यान से डालिएगा। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे उलटते पलटते रहेंगे, बिल्कुल हल्के से ब्राउन होने लगेंगे, मतलब पिंक कलर के होने लगे, तब हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से हिलाते रहेंगे, हमें तो बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, मीठे हाथ में हल्का हल्का के गुलाबी हो गए। इसमें पर हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं, इसको हल्का हल्का ही सेकना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। सभी को हमने टिश्यू पेपर पर निकाल लिया, एक्स्ट्रा ऑयल स्पेस निकल जाएगा, बाकी बचे हुए हम सेक के रख लेते हैं। सभी पतोड़ हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इस बचे हुए ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, जिससे कि हमको इसमें मसाला पकाना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ी हींग डालेंगे, थोड़ा सा मैंने पीसी हुई मेथी का पाउडर बना रखा है वो डालेंगे, क्योंकि साबुत मेथी मुँह में आती है, और बेसन में और चने की दाल की सब्जी में मेथी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा जीरा डालेंगे और थोड़े से साबुत गर्म मसाले डालेंगे, हरी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, और जो मैं पेस्ट करना है उसमें जल्दी से डाल। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, उसको खिलाते रहेंगे जिससे कि इसमें दही हमारा पक ना जाए। थोड़ा सा मैंने कद्दूकस करी हुई अदरक के जिसमें डाल रही हूँ, और थोड़ी सी लंबी लंबी हरी मिर्ची, तो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। ग्रेवी में हमारे उबाल आ चुके हैं, इस बीच में मैंने इसके अंदर आधा ग्लास पानी डाल दिया था, जिससे कि हमारी ग्रेवी अच्छे से हो जाएगी।
बच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अच्छे से उबाल आ चुका है। इस समय पे हम इसके अंदर जो हमारे पतौर थे उसके डाल देंगे इसके अंदर और उसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सभी पतौर हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं मीडियम आंच पे, जिससे कि अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब उसको खोल के देख लेते हैं। वाह, सब्जी हमारी लगभग तैयार है। बस इसको हरे धनिया से गार्निश करना है और हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। फाइनली सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है पतौर की। इसको हम हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। कुछ लोग पतौर की सब्जी को सूखा ही बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा रसे वाला बनाया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। पराठे पूरी इसी के साथ भी आप खा सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनती है मेरी सब्ज़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।